WWE के रिंग में धोखेबाजी करने वाला रेसलर असल जिंदगी में वैसा होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि WWE स्टोरी लाइन के हिसाब से चलती है। WWE में नियम बहुत ही कड़े होते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं। शायद बेमानी की किसी मैच में कोई जगह होती है, क्योंकि रेफरी के पास अधिकार होता है कि बेमानी की स्थिति में वह बिना किसी से पूछे मैच को समाप्त कर सकता है। लेकिन जब बात आ जाती है नो डिस्क्वालिफिकेशन जैसे मैचों की, तो इन मैचों में बेमानी की सभी हदों को पार कर लिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी अच्छे काम के लिए बेमानी का सहारा लेना कोई भी गलत बात नहीं, किंतु झूठ और बेमानी एक हद तक ही ठीक लगती है। चलिए आज मिस्टीरियस बुक के इस अंक में आपको बताते हैं कुछ ऐसे रेसलरों के बारे में जिनके बेमानी के चर्चे पूरे WWE रिंग में प्रसिद्ध थे। वे रेसलर असल जिंदगी में भले ही कितने सज्जन हो, पर WWE में उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की जिससे उन्हें खूब नफरत मिली, यहाँ तक कि कुछ रेसलरों को तो डेथ नोट भी मिले। तो चलिए बिना देर किए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को। मगर आज का अंक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मिस्टीरियस बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही रोचक वीडियो के अपडेट भविष्य में भी पाने के लिए। तो आइए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं उन रेसलर्स के बारे में। द मिज। WWE में करीब डेढ़ दशक से भी ज्यादा का समय बिता चुके द मिज को आज एक विलेन के रूप में जाना जाता है। उनका यह किरदार इतना लीन हो चला है कि दुनिया भर में मौजूद रेसलिंग प्रशंसक उन्हें एक बेईमान की पदवी देने लगे हैं। 8 बार के इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन रह चुके यह रेसलर मनी इन द बैंक विजेता भी रह चुके हैं। हालांकि मिज विंस मैकमैन के बेहद ही करीबी माने जाते रहे हैं, वह एक बेहतरीन एक्टर भी हैं, इस वजह से उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया है। इसी वजह से एक दशक से भी अधिक समय तक वह कंपनी में नियमित रूप से हिस्सा बने हुए हैं। असल जिंदगी में मिज भले ही कितने सज्जन हो, पर WWE में उन्हें एक धोखेबाज रेसलर के रूप में जाना जाता है और उनसे नफरत करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। क्रिस जेरिको। क्रिस जेरिको WWE के बहुत ही महत्वपूर्ण रेसलर थे, एक समय में तो वह WWE के बहुत काम के रेसलर थे। क्रिस जेरिको की वर्तमान में उम्र 50 के करीब हो चुकी है। करीब 3 दशक से रेसलिंग रिंग का हिस्सा बने हुए क्रिस जेरिको एक समय में WWE के नामी रेसलरों में गिने जाते थे। क्रिस जेरिको अपने दौर के बड़े विलेन रेसलरों में एक रहे हैं। जब रोमन रेंस के खिलाफ मैच में क्रिस जेरिको ने रेफरी को झांसा देते हुए बेईमानी की सभी हदों को पार कर लिया था, उस समय फैंस उनसे काफी नफरत करने लगे थे। क्रिस जेरिको ने वर्तमान में WWE का हाथ छोड़ के ऑल इलाइट रेसलिंग का हाथ थाम लिया है और वह एक नई रेसलिंग कंपनी में चले गए हैं। कुछ WWE विद्वान की माने तो वह इस नई कंपनी के मैनेजर बनने वाले हैं। नेचर बॉय रिक फ्लेयर। 16 बार के WWF वर्ल्ड चैंपियन रहे रिक फ्लेयर को WWE के नामी रेसलरों में गिना जाता था, लेकिन उन्हें WWE इतिहास के बड़े विलेन के रेसलर के रूप में बहुत याद किया जाता है। रिक फ्लेयर के आगे मिज और क्रिस जेरिको जैसे रेसलरों की बेमानी तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। रिक फ्लेयर ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत बार बेमानी के जरिए मैच जीते थे और अपने साथी और मित्र रेसलरों को जितवाए भी थे। असल जिंदगी में वह भले ही बेहद सज्जन इंसान हो, पर WWE में उनके किरदार को एक समय में चीटर रेसलर के रूप में जाना जाता था। विंस मैकमैन। WWE के बॉस के रूप में प्रसिद्ध विंस मैकमैन ने आज WWE को बहुत बड़ा कंपनी बना दिया है। विंस मैकमैन ने ही तो एटीट्यूड एरा को इतना शानदार बनाया था। उनके हील रूप ने फैंस के साथ साथ कुछ इतना जबरदस्त कनेक्ट किया था कि लोग उनके हील को हेट किया करते थे, उस वजह से बहुत हीट जनरेट होती थी। वो एक ऐसे बॉस थे जो लगातार अपने इम्प्लॉयज से पिटते थे, चूंकि उससे उस रेसलर को बहुत फायदा होता था और इनका किरदार भी निखरता था, इसलिए विंस ने इसे कभी रोका नहीं। वह पिटते रहे, पैसे बनते रहे, कहानियां बढ़ती रही और विंस मैकमैन ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसका मुकाबला करने वाला आज कोई नहीं है और शायद ही न भविष्य में कभी होगा। WWE के मालिक विंस मैकमैन समय समय पर रिंग में एक रेसलर की भूमिका में भी नजर आते रहे हैं। एटीट्यूड एरा का वह दौर आपको हमेशा याद रहेगा जो विंस मैकमैन का विलेन किरदार बहुत ही चरम पर रहा है। मिस्टर मैकमैन की उम्र आज बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन मिस्टर मैकमैन WWE टीवी में अपने पद का हमेशा दुरुपयोग करते हुए आए हैं। सेमस और रोमन रेंस के मैच में मिस्टर मैकमैन स्पेशल गेस्ट रेफरी की भूमिका में नजर आए थे, जहां उन्होंने सेमस को जितवाने के लिए अपने सभी पैतरे आजमा डाले थे और सेमस को जितवाने की बहुत कोशिश की थी। WWE टीवी में विंस मैकमैन का किरदार कैसा भी रहा हो, पर असल जिंदगी में वह बेहद ही सज्जन किस्म के इंसान है। WWE को आज उन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बना दिया है। हल्क होगन।
हल्क होगन ने अपने कैरियर में बहुत सारे मैच लड़े। जब हल्क होगन WWE में कैरियर बनाने के लिए आए तो विंस ने भी इनकी वजह से खूब पैसा कमाया, और जब उन्होंने WWE को छोड़कर WCW के साथ अपना कैरियर शुरू किया था तो एरिक ने उन्हें एक हील किरदार के रूप में पेश किया था। वहां वह NWO का हिस्सा बने और उन्होंने फैंस को खुद को हेट करने का एक मौका दिया था। वह एक लेजेंड है और हमेशा ही एक लेजेंडरी रेसलर रहेंगे। वे रेसलिंग कंपनी के इतिहास में ताकतवर और खतरनाक रेसलरों में भी गिने जाते हैं। जब उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टीम की स्थापना की थी तब वह उस स्थिति में पहुंच चुके थे जहां उनका विलेन किरदार खूब चमक रहा था। NWO नाम की इस टीम का हमेशा से एक ही लक्ष्य रहा कि किसी न किसी तरीके से बेईमानी से मैच जीत जाए या फिर अपने साथी को बेईमानी से मैच जितवाए जाए। SGT स्लाटर एक अमेरिकी सैनिक के रूप में आते थे। वह अमेरिका के एक हीरो के रूप में देखे जाते थे। उनका लुक काफी जबरदस्त था और कहा जाता है उनके जैसा रेसलर आज भी WWE में नहीं आया है। उनके बारे में कहा जाता था कि जब शुरुआती दिनों में उन्होंने आयरन सैक के साथ जोड़ी बनाई थी तो इसकी वजह से उन्हें डेथ थ्रेट्स भी मिलते थे। यहाँ तक कि WWE खुद मानती थी कि वह उस समय उनके लिए काफी बड़ी मुश्किल के दिन थे। कहा जाता है जिस वक्त आयरन सैक WWE के साथ थे उस वक्त अमेरिका उनके देश के साथ एक युद्ध जैसी स्थिति में था। ऊपर कमाल से यह बात थी कि वह और उनके साथी लगातार अमेरिका के खिलाफ ही बोलते रहते थे। उन्होंने स्लाटर के साथ एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसे बहुत ज्यादा हिट मिलती थी। शायद इसी वजह से उन्हें डेथ नोट और डेथ थ्रेट उस समय दिए जाते थे। कोई भी रेसलर का किरदार WWE टीवी में आपको कैसा भी दिखाई दे पर असल जिंदगी में वह रेसलर वैसा नहीं होता। दोस्तों, आप लोगों को आज का अंक कैसा लगा और आप लोगों की इन रेसलर्स के बारे में क्या राय है आप हमें जरूर बताइए। हमें उम्मीद है आपको आज का अंक पसंद आएगा। आज की इस वीडियो में लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक का। अगर आप यह एम पूरा कर देंगे तो हम इस वीडियो का अगला भाग जरूर बनाएंगे। जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक अंक में एक नई मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।